कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1942 में हुई थी, जबकि देश आज़ाद भी नहीं था। और 1974 में जब इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज बनाया गया, उस समय दिल्ली सरकार का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अम्ब्रेला के तहत ये कॉलेज ऑफ आर्ट्स आज देश का नंबर वन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स माना जाता है। अचानक 2 मार्च 2021 में दिल्ली सरकार का कैबिनेट यूनिलेटरल फैसला लेती है कि इसे AUD के साथ मर्ज कर दिया जाए, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके साथ मर्ज करने का एक यूनिलेटरल फैसला लेती है। और एक कैबिनेट नोट कुछ दिनों के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है कि ये उसमें एक लाइन और जुड़ा हुआ था कि सब्जेक्ट टू डी एफिलिएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस तरह का जो यूनिलेटरल डिसीजन है कैबिनेट का, दिल्ली सरकार के कैबिनेट का, वो लीगली टेनेबल नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्ट, स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंस का वायलेशन करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई दिल्ली सरकार का एडजंक्ट इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई उसका सबॉर्डिनेट इंस्टीट्यूट नहीं है कि जब चाहे तब उसका एक अंग को हम ले लें, उसके एक इंस्टीट्यूट को हम ले लें और एक किसी अपने स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ उसका मर्ज कर दें। ये लीगली टेनेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम वायलेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है, ये ऐसा जो कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है, ये उस कॉलेज के भी हित में नहीं है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हित में तो बिल्कुल ही नहीं है। उस कॉलेज ऐसे मर्जर से क्या कॉलेज के टीचर जो वहाँ पढ़ा रहे हैं उनका सर्विस का कंडीशन इफेक्ट होगा। कोई भी जो उन्होंने अपना नोट भेजा उसमें भी लिखा हुआ है कि AUD के मर्जर के बाद वो पेंशन का क्या होगा, वहाँ के टीचर्स के पेंशन का क्या होगा, इसमें सब उसमें कोई भी मतलब बात नहीं कही गई है। और पूरी तरह से ये सर्विस कंडीशन को इफ़ेक्ट करने वाला है, स्टूडेंट्स के हित में भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अम्ब्रेला के तहत रह के जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स जिस तरह से पनपेगा, और उसे स्टूडेंट्स का भी उतना ही अच्छा के लिए, अच्छा के ग्रोथ के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ रह के पढ़ाई करना, इसके करिकुलम के साथ पढ़ाई करना, इसके कोर्स डिज़ाइन के साथ पढ़ाई करना। ये मैं मानती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ ग्रीवेंसेज हैं इस कॉलेज के, तो बाकी कई कॉलेजेस ऑफ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ हैं उनके पास भी उनके साथ भी कई ग्रीवेंसेज होते हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फ्रेमवर्क के अंदर रह के ही उन ग्रीवेंसेज को एड्रेस किया जा सकता है, ना कि उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल के। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी एज एन इंस्टीट्यूट के लिए भी, एज एन इंस्टीट्यूशन के ग्रोथ के लिए भी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एक बहुत बड़ा एसेट है। अब मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनाने के तहत एक कॉलेज ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हमारा रहेगा, जिसको कि हम डेवलप कर सकते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको डेवलप कर सकती है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत, जिसमें ड्रामा की पढ़ाई को जोड़ा जा सकता है, जिसमें फिल्म स्टडीज़ को जोड़ा जा सकता है। इसको बहुत ही ब्रॉडर सेंस में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह इसको डेवलप किया जा सकता है। और इसके बजाय यदि हम कॉलेज ऑफ आर्ट्स को जिस तरह से दिल्ली सरकार उसको स्नैच कर रही है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिसमेंबरमेंट है, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली सरकार बाकायद कहती है कि हम उसका फंडिंग करते हैं, लेकिन ये फंड जो होता है दिल्ली सरकार के माध्यम से होता है, वो सेंट्रली एलोकेटेड फाइनेंस है और फंड है, जिसको कि दिल्ली सरकार के माध्यम से ही कॉलेज में दिया जाता है। और यदि फंडिंग भी करती है तो दिल्ली सरकार को कोई ओनरशिप राइट नहीं मिल जाता है उस इंस्टीट्यूट या उस कॉलेज के लिए, कि वो उस कॉलेज को जब चाहे उसको स्नैच कर ले और किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज कर दे। फिर दूसरी भी प्ली जो दिल्ली सरकार दे रही है, जैसे ओनरशिप ओवर लैंड, ये सब भी बिल्कुल एरोनियस प्ली है, क्योंकि वो कॉलेज का ही ओनरशिप राइट है उस लैंड पे और बिल्डिंग पे। इसीलिए वो दिल्ली सरकार का जो यूनिलेटरल डिसीजन है कॉलेज ऑफ आर्ट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटाने का, एक बहुत ही डेंजरस कदम है। इसका फ्यूचर में भी बहुत ही डेंजरस इम्प्लिकेशंस होंगे। और सबसे ऊपर की बात है कि सबसे बड़ी बात है कि यह लीगली टेनेबल नहीं है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्ट, स्टैट्यूट्स का वायलेट करता है। इसीलिए कॉलेज ऑफ आर्ट्स को आज हम दे देंगे तो ये बहुत ही ख़राब होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षकों से अपील है कि इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस तरह का डिसमेंबरमेंट हो रहा है, उसका विरोध किया जाए और कॉलेज ऑफ आर्ट्स को
बचाया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रह के कॉलेज ऑफ आर्ट्स बहुत अधिक प्रोग्रेस कर सकता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगी और इसका ग्रोथ बहुत अच्छी डायरेक्शन में होगा।